औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारी अवान तजारत की काबीना आजी शाहिद और जायद भाई या बाकी जितनी भी काबीना है, इनमें तकरीबन पिछले 5-6 दिन से या 10 दिन से आपस में कोई मसाइल बन गए थे, इख्तलाफात थे या कोई गलत फहमियाँ थी, तो ये आपस में उलझ पड़े थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बातें भी की। तो हमें तो पहले नहीं पता था, पिछले तकरीबन 3 दिन से जब हमें पता चला है तो हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। तो उसके बाद हमने कोशिश की है, मैंने और मेरी टीम ने, अख्तर भाई ने, रहमत भाई ने, मज़र भाई ने, अनरगुल्लाला सब ने मिल के मेहनत की है 2-3 दिन से। सारे भाइयों को, यानी कि सब के घर पे गए हैं, सब से अलग-अलग अकेले में बात की है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे भाई हमारी बात पर मुतफिक हो गए हैं। तो आज हमने एक जिरगा तैयार किया था, तो जिरगे में मुतफिका तौर पे इनका आपस में राजीनामा हो गया और पिछली जितनी भी गलत फहमियाँ थी सारी वो दूर हो गई हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि जिस भाई की भी कोशिश थी, जिस भाई ने भी इस कार खैर में हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उसको इसका अजर दे। क्यों कि ये 2-4 भाइयों का मसला नहीं था। ईवान तजारत जब बन जाती है, प्रेसिडेंट बन जाता है, जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, ये उस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। अगर एक प्रेसिडेंट बात कर रहा होता है तो पूरे इलाके की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उससे वो झलक नज़र आती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम में अगर इख्तलाफात होंगे, हम में मसाइल होंगे, तो हमारा अच्छा मैच नहीं जाएगा आगे। तो ये जिस तरह आज इन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इन भाइयों को कि हम जैसे लोगों की बात इन्होंने नहीं टाली। तो ये सारे भाई काबिल इज़्ज़त हैं और मीडिया वाले आए हुए भाइयों का और जितने पीटीआई के दोस्तों का, यहाँ पे आए हुए सारे मोहज़्ज़ मेहमानों का, जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ दरबान के वो भी आए, बहुत अच्छा काम हुआ। हम तो सियासी इख्तलाफात या ज़ाती या कोई भी ऐसा इख्तलाफात तो नहीं था, लेकिन वैसी छोटी मोटी बातें थी, लेकिन वो सोशल मीडिया तक पहुँच गई है तो उससे थोड़ा सा गलतफहमी हो गई हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ भाई ने बहुत बड़ी मेहनत की उसमें, उसकी टीम ने मेहनत की और भाइयों ने उसमें मेहनत की, इसका रहर में ऐसा लिया और हम दोनों को एक कर दिया। माई साहब बड़ी खुशी की गल थी कि एजाज़ भाई और टीम बड़ा रोल इस के अदा किया और जितने आए थे मेहमान थे इनका भी असी शुक्रिया अदा कर दे। खास तौर एजाज भाई थोड़ी कबीना था असी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर दे कि इस काम में अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। अपने इस एजाज भाई का जड़ा इस अज दू त्रीय दिहाड़ा था जो किरदार अदा किया वो असा का इसके बारे च इलम थे और दो इसते बल्कि असी तो ग्रुप ना है, एक दो ग्रुप आए है, ग्रुप आए दो हो गए किसी साजिश नाले कोई गलत फहमिया नाले वो अलहमदुल्ला गलतफहमिया दूर हो गई। तो ये फिर वो रोज़े अवल नाला जियाँ पहले वो सदर मुंतखब होने को बाद यकजगती नाले चले हैं, हूँ फिर उस तरीके नाले चल ले। बहुत शुक्रिया एहसान भाई और फरमान भाई, बकाया मुजीन मेहमान हमारे दोस्त अहबाब ताजर बरदरी और जितने भी बुजुर्गान इस जरगाह में बैठे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, अल्लाह पाक का एहसान हुआ, जो गलतफहमियाँ थी वो अल्लाह पाक ने किया, आमने सामने बैठने से दूर हो गई और इंशाल्लाह इन भाइयों में जो पहले इकताई थी वो अब भी आपको नज़र आएगी और पहले से बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भाई बाज़ार की खिदमत करेंगे।